नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी संजय सिंह लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं बात करें तो आज वो सिवान पहुंचे हैं निमंत्रण देने। जिस तरह से कहें तो लगातार वो बिहार के अलग अलग जिले में दौरे कर रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 28 जनवरी को पटना पहुंचे, सूरवीर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। इस अवसर पर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और जिस तरह से कहा जाए कि वो लगातार जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं। और जब सिवान जिला वो पहुँचे तो सड़कों पर लोग हैं जो उनका स्वागत करने पहुँचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं और ढोल नगाड़े के साथ हैं जो सड़क पर उतर कर उनका स्वागत कर रहे हैं। और जब सिवान के धरौंदा में पहुँचे तो जोरदार स्वागत किया गया है और कहा जाए कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो काफिला है वो उनके साथ सिवान जिला में चल रहे हैं। और जिस तरह से कहें कि जब वो सिवान के धरौंदा में पहुंचे तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो उनके सुनने के लिए, निमंत्रण स्वीकार करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से वो सिवान जिला के पहुंचे हैं तो लोग उनको सुनने पहुंचे हैं और यहाँ पर निमंत्रण देने, और लगातार वो निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 28 जनवरी को पटना पहुंचिए। जिस तरह से कहा जाए कि सूरवीर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाया जाएगा और वो लगातार के बिहार के अलग अलग जिला में जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। और जिस तरह से कहें तो जदयू के जो कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी एमएलसी संजय सिंह हैं, और जिस तरह से कहा जाए कि जब लगातार वो बिहार के दौरे कर रहे थे तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि जो महाराणा प्रताप का जो मूर्ति है वो लगवाए थे, महाराणा प्रताप का मूर्ति का अनावरण किया गया था और राजकीय समारोह रखा गया था उनके अवसर पर, तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो वहीं बात करें तो जब जदयू एमएलसी संजय सिंह आज सिवान पहुंचे हैं तो सिवान में भी अपार समर्थन मिल रहा है। वो जहां जहां जा रहे हैं तो कहा जाए कि अपार समर्थन उनके साथ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहना है जदयू एमएलसी संजय सिंह का कि आने वाले 28 जनवरी को हम पटना में लोगों को भर देंगे। और जिस तरह से कहा जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से कहा जाए कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं तो अपार समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी उनका द्वारा दिखाया जा रहा है। तो आने वाले समय में 28 जनवरी को जो पटना के मिलर ग्राउंड में जो पुण्यतिथि मनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जदयू एमएलसी संजय सिंह के द्वारा कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कि जी हम भी जो 2024 की तैयारी में कहीं ना कहीं जुटे हैं। लेकिन कहा जाए कि वो पुण्यतिथि जदयू के एमएलसी हैं जो महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है, और जिस तरह से कहें कि अपार समर्थन मिल रहा है और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, आज सिवान जिला के धरौंदा पहुंचे हैं। तमाम खबर न्यूज़ पर्सन के साथ, नमस्कार।